Greetings, lovers. How are you? I hope you are fine and doing great. So today we are back with the remaining part of the chapter, guys. Let's start the remaining part and our chapter will be over. Okay, so our next read now, this topic. Okay, this is our first topic today. So, refraction of light. We have studied reflection of light. Now we'll be studying refraction of light. This is a very interesting phenomena and important phenomena. So, let's start this. So, when light travels obliquely from one transparent medium into another, it bends. जब भी हमारी लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड करेगी. हमारे दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक हमारा रेयरर, एक डेंसर. ओके, डेंसर मीडियम हमारा वो होगा जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट किसी डेंस में जा रहा है. रेयरर मीडियम हमारा एयर होगा, ठीक है. सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जो हमारी लाइट है, हमारी लाइट ऐसे आ रही है और एकदम से ऐसे बेंड कर रही है या ऐसे आके ऐसे बेंड कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यू हैव टू रिमेंबर दिस. व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी. ये हमारी नॉर्मल लाइन है. ओके, ये वाला हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है. जब यहां से रे आ रही है, एरो रे आ रही है, और जब ये डेंसर में ट्रेवल कर रही है, ओके, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल चल जाएगी. मतलब ये हमारी नॉर्मल है ना, ये वाली लाइन हमारी नॉर्मल है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है. तो नॉर्मल लाइन की तरफ जाएगी ये जब ये रेयरर से डेंसर में जाएगी, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर. और सेकेंड, जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, ये हमारी डेंसर है और यहां से रेयरर में जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी. नॉर्मल मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल एज लाइक यू हैव टू फिट दिस इन योर माइंड. ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब. एक हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दी जाएगी, ठीक है. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देंगे और इसमें हमारी रे जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ओके, जब एक रे ऑफ लाइट है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जाएगी, ठीक है. गेट्स बेंड ट्वाइस, दो बार वो बेंड होगी. क्यों दो बार की होगी? एक बार जब वो जाएगी, ठीक है, तो बेंड होगी क्योंकि हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं. ये जो हमारा ग्लास स्लैब होगी वो डेंस होगी, राइट. सो डेंसर मीडियम में जा रही है ये हमारी, रेयरर से डेंस में जाएगी. तो ये क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये हमारी नॉर्मल की तरफ जाएगी, ठीक है. ऐसे जा रही है और देन ऐसे, ठीक है. एंड देन जब वो बाहर जाएगी, मीन्स डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है. दो इंटरफेरेंस पे ये बेंड होगी. द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड द डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज लाइंस. सो ये हमारी इंसिडेंट रे है, जो रे आ रही है, दिस इज आर इंसिडेंट रे. ओके, ये हमारी इंसिडेंट रे है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल के साथ. नेक्स्ट, ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है. तो यहाँ पे ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है. देन ये जो ये फिर से यहाँ नॉर्मल है, दो नॉर्मल होते हैं यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद जो यहां से रे निकलेगी, दिस विल बी कॉल्ड एमर्जेंट रे. इसको हम एमर्जेंट, दिस इज आर एमर्जेंट रे, ठीक है. इमर्जेंट रे है ये हमारी. सो एमर्जेंट रे के जो एमर्जेंट रे हमारी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली. ओके,
सो नाउ लेट्स मूव ऑन आगे. ओके, थर्ड इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है. जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो वैसे ही हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़े थे कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल, एंड नॉर्मल होती है एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो इसमें फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, इसमें भी लॉज है हमारे दो. तो इसमें फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इसमें कौन कौन से सेम प्लेन में लाई करते हैं, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे लाइक सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था जो, वो एक ही प्लेन में लाई करते थे. बट इसमें क्या होगा, इसमें वो इसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दिस इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस कहाँ, जहाँ पे वो डेंट करेगी. ओके, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लॉ, विच इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट. हियर इट इज नॉट क्लियर. ओके, इट इज नॉट क्लियर हियर कि साइन आए, ये थोड़ा इट इज प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड. सो लेट मी टेल यू, सेकेंड हमारा क्या लॉ है, रेशियो ऑफ साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, सो लेट मी टेल यू. ओके, ये क्या है हमारा साइन आई, ओके, अपॉन साइन आर, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ स्पेस नहीं है थोड़ा, सो यू हैव टू सी. ओके, लेट मी राइट हियर, आई होप आपको दिख रहा होगा. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. ये हमारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, राइट, सेकेंड लॉ है हमारा. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो इफ यू हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑफ द लाइक, कुछ भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड, तो कैसे फाइंड करेंगे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू हैव टू फाइंड. सो इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. आपको जो भी स्पीड ऑफ लाइट जहां की भी दे रखी है, लाइक आपको एयर दे रखी है, तो आप एयर की स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे. डू यू नो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर व्हाट इज इट, इट इज 3 × 10⁸ m/s, राइट. सो 3 × 10⁻² होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. तो हम वो लिखेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया. ये जो स्पीड ऑफ लाइट जो आपको मीडियम दे रखा होगा, एल्यूमिनियम में जा रही है, वो हमारे वाटर में जा रही है, या आयरन में जा रही है, निकल में जा रही है, कहीं पे भी वो किसी भी मीडियम में जा रही है, तो उसका हम लोग यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट. उसमें क्या, एंड दैट विल बी गिवन टू यू. ओके, डोंट वरी. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से. एंड इस एन को क्या बोलते हैं, नीटा. इस एन को नीटा भी बोलते हैं, बट आप एन लिख सकते हो उसको स्मॉल एन. ओके, सो सी क्या होता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया जो भी आपको दे रखा है, ये ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. ओके, ये कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया का, मीडियम का दे रखा है. जो हम ये लिखते हैं ना एन टू वन, इसका मतलब वो होता है स्पीड ऑफ लाइट
इन टू ड्यू टू वन, इन टू ड्यू टू वन, ठीक है। दो सेकेंड वाले मीडियम में फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट, आगे वाला विद रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो जो ये V1 और V2 है हमारे, ये हमारे स्पीड होते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी मान सकते हो। जैसे कि N21 लिखा है, तो N21 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज मीडियम, इन मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट दिस, एंड और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को जब आप लोग इसके न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, राइट गाइज? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हम लोगों ने मिरर पढ़ लिया, नाउ वी आर ऑन लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, अगेन कॉन्वेक्स कॉनकेव। ओके, इन अ कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव है। ओके, लेट मी राइट हियर, दिस इज योर कॉन्वेक्स, ओके, एंड दिस इज योर कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। हम लोगों ने मिरर पढ़ा था, मिरर में एक ही कर्वेचर होता है, बट लेंस दो से बना होता है, राइट? दो मिरर से, तो इनके मिरर का एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो अब हमारे पास दो मिरर हैं, तो एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसमें दो साइड फोकस है। ओके, फोकस इसीलिए दोनों साइड है क्योंकि दो मिरर हमने लिए और ज्वाइन होके वो लेंस बन जाता है, ठीक है। सो ओ हमारा सेंटर, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसमें पोल था हमारा, इसमें हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। ओके, नाउ ये हमें रूल्स दे रखे हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज मिरर में पढ़े थे, राइट? क्या पढ़ा था कि पैरेलल रेज आ रही है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से जाएंगी। तो वैसे ही ये हमारे कुछ रूल्स हैं, एंड वी हैव टू रिमेम्बर दिस। इसमें क्या रूल है? फर्स्ट रूल, लेट अस रीड। इन द कॉन्वेक्स लेंस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस टू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। उसमें मिरर में क्या पढ़ा था हमने कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस से होके होती हुई जाएंगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सेम है कि पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस की आएंगी वो फोकस से जाएंगी, बट अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस की अदर साइड से। ओके, ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। एंड एंड इसमें कॉनकेव में क्या दिया है, इन कॉनकेव लेंस इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये अपियर करती है, लाइक ये पैरेलल आ रही है तो ये यहां से ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट ये टेंड टू कम फ्रॉम फोकस, ये डॉटेड लाइन से हम डिनोट करते हैं। ओके, टेंड टू कम फ्रॉम फोकस, इट टेंड्स टू कम फ्रॉम फोकस बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम फोकस। ओके, सी, ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, हम लोग आए हैं सेकंड, हमारा रूल है इन कॉन्वेक्स लेंस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने सेकेंड भी, उसमें भी यही पढ़ा था कि जो रेज फोकस से आ रही है वो पैरेलल चली जाएंगी और जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से चली जाएंगी, और इसमें भी ऐसा ही है बट अदर साइड है कि यहां से हमारी फोकस से आ रही है तो ये यहां चली जाएगी, ठीक है, आगे चली जाएगी। डोंट फॉरगेट टू पुट एरो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसमें इसमें क्या है, कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में हम पढ़ेंगे इन अ कॉनकेव लेंस, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, फोकस पे पड़ रही है एरो, फोकस पे पड़ रही है और यहां से चली जाती है, पैरेलल चली जाती है फोकस के, ठीक है, फोकस के पैरेलल चली जाएगी वो। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है हमारा, इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट डेविएशन, सीधी चली जाती है, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ये दोनों, एक एक तो यहां से सीधी जाएगी, यहां से दोनों, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है दोनों बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे। दिस इज इजिएस्ट,
ये हमारे रूल्स हैं जो हमारे रे डायग्राम्स में काम आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बस हमारे ये थ्री रूल्स थे। ओके, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्सेस, फाइनली वी आर ऑन दी दिस रे डायग्राम्स मेड बाय लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम क्या है बन रहा है? फर्स्ट पैरेलल लाइन आ रही है, फोकस से चली जाएगी, F1 फोकस 1 फोकस 2 इधर होगा, F2 F1 इधर होगा, 2 F2 इधर होगा, ठीक है। पैरेलल आ रही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, इंफिनिटी से आ रही है तो F2 पे बनेगी। और हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड क्या होता है? वेरी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड ऐसे बनेगी, टेढ़ी मतलब उल्टी, ठीक है। सेकेंड क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, पहले कहाँ थी? इन्फिनिटी में थी। इसमें भी बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल सेम उसकी जैसे, आई विल टेल यू द ट्रिक टू। सो यहां से निकल रही है, देखो यहाँ हमने 2F1 के बियॉन्ड रखी है, पीछे रखी है, तो ये यहां से आएगी, इसके सेंटर में आएगी और F2 से क्रॉस कर जाएगी, और एक यहां से रे आएगी जो ओ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारी यहाँ यहाँ पे आई मीन इमेज बन गई, ठीक है। ये हमारी इमेज बन रही है, इधर हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ऐसे जा रही थी ये और ये ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है। डू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, सो इफ इट इज डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज डिमिनिश्ड छोटी होगी और रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आप समझते हैं ऐसे होगी, ये आपको दिख रही है ऐसे, ठीक है। थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F, 2F पे होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे है, ठीक है। यहाँ पैरेलल जाएगी और सीधा फोकस से एंड देन ऑप्टिकल सेंटर से होती है, तो ये 2F2 पे बनेगी, ठीक है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, यहां पे रखी है हमने, पैरेलल फ्रॉम F2 एंड देन एट बियॉन्ड F2, समझ आया? एनलार्ज, बड़ी होगी, F2 से जो पीछे बनने शुरू हो जाएंगी वो एनलार्ज हो जाएंगी, एनलार्ज होंगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब ऑब्जेक्ट जब हमारी F1 पे बनेगी, F1 पे यहाँ पे पैरेलल आएगी, F2 से जाएगी और सीधा यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है ना, 2F2 के बियॉन्ड बन चुकी, अब कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। दिस ऑल्सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सेम कॉनकेव मिरर में जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में। ओके, सो हार्डली एंड लार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, मतलब मैग्निफाइड होगी, बड़ी इमेज होगी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में होगी जब, ये रहा F1, सॉरी F1, ये रहा F1 और O के बीच में है, तो ये हमारी यहां से F2 से जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये पीछे मीट करेंगी यहाँ पे, 2F1 और F1 के बीच में, इन दोनों के बीच में बनेगी, और ये इरेक्ट है, आपको दिख रही है सीधी है, हर में एरो ऐसे था तो इमेज इन्वर्टेड थी, बट इसमें कैसे है, इसमें हमें ऐसे दिया हुआ है एरो, तो ये वो होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, एनलार्ज्ड होगी। सो अब हमने यहां तक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हमारे कॉनकेव लेंस के शुरू होंगे, तो लेट मी टेल यू द ट्रिक फॉर दिस ऑल्सो, सेम उसी के जैसी ट्रिक है, ठीक है। चलो करते हैं, अब यहां मैं आपको बताती हूँ, ये देखो हमने लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ F2 होता है, ठीक
ठीक है, इधर F1 होता है, 2F1, और यहाँ 2F2। समझना थोड़ा, इन्फिनिटी से हमारा फर्स्ट इन पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे हम लोग, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ हमने सबसे पहले कहाँ रखा? हमने रखा सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर फॉर यू सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ओके, कि हमने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2, 2F2। समझ आया? लेट मी चेंज द कलर। ओके, उसके बाद यहां पे 1 इन्फिनिटी पे रखा, यानी यहाँ नहीं रखते हम लोग, इन्फिनिटी बनाते हैं पहले। हमारे सपोज ये इन्फिनिटी है, हमने इन्फिनिटी पे रखा पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा हमने रखा बियॉन्ड 2F1, तीसरा हमने रखा एट 2F1, फोर्थ हमने रखा बिटवीन बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। फिफ्थ हमने रखा F1 पे, सिक्स्थ हमने कहाँ रखा? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ओके, तो अब हमारी इमेजेस कैसे बनेंगी? फर्स्ट इमेज हमारी बनेगी F2 पे, F2 पे फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज बिटवीन F2 एंड 2F1, F2 एंड 2F2, थर्ड 2F2 पे, ठीक है। फोर्थ हमारी बनेगी बियॉन्ड बियॉन्ड 2F2। फिफ्थ हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे, फिफ्थ एट इन्फिनिटी, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर कि फिफ्थ हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2F2 था, मान लिया हमने, ठीक है। और फिफ्थ हमारी कहाँ बन रही है? फोर्थ हमारी 2F2 पे बनेगी, फिफ्थ सॉरी फोर्थ हमारी बियॉन्ड 2F2 बनेगी, और फिफ्थ हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, एंड सिक्स्थ कहाँ बनेगी? यहाँ पे सिक्स्थ इधर बनेगी, ठीक है। सिक्स्थ हमारी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में। आई एम सो सॉरी फॉर दिस गंदी सी ड्रॉइंग, सो बहुत स्क्रीन बहुत ही डर्टी हो चुकी है, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने क्या ट्रिक बताई है। सेम उसी के जैसी ट्रिक है, बस सिक्स्थ हमारा इधर बनेगा, ओके, और उसमें उधर बनता था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। इसमें दो ही केस होंगे हमारे, ठीक है। इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस हमारी क्या होंगे? होंगे कि पैरेलल रेज आ रही हैं, फोकस से जाएंगी, टेंड करेंगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट F1, F1 पे बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे आएगी और फिर ये पीछे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो भी रे आएगी यहाँ आएगी डिफ्लेक्ट, ऐसे ये सीधी जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, इन्फिनिटी और F1 के बीच में क्या होगा? मतलब कोई भी पॉइंट F1 से पीछे, बियॉन्ड सी है चाहे वट एवर, कोई भी पॉइंट है हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ से ये सीधा जा रही है, इट इज गोइंग स्ट्रेट टू दी लेंस, और यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, एंड इट इज टेंडिंग टू कम फ्रॉम F1 एंड इट इज मीटिंग हियर। तो ये हमारी इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज इधर ही बनी है लेंस के, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी एंड स्मॉल होगी, ओके, स्मॉल होगी। अब ये दो ही इसके होते हैं केस,
थर्ड है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. साइन कन्वेंशन भी हमारा सेम ही होगा स्फेरिकल मिरर के लिए, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा साइन में. सो साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज इज सेम एज इन स्फेरिकल मिरर, एक्सेप्ट द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. उसमें डिस्टेंस पोल से मेजर होते थे, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं. फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. नोटेड डाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फोकल लेंथ हमारी क्या है? पॉजिटिव है. एंड फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या है? हमारी कॉन्वेक्स की पॉजिटिव है, कॉनकेव की नेगेटिव है. ठीक है, ये डायग्राम है. यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन दी प्रीवियस लेक्चर विच वॉज ऑफ दी लेंसेज, ओ मिरर. ओके, नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला. उसमें क्या था? मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा? वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू. बट इसमें है माइनस आ जाएगा बीच में, बस दिस इज ओनली द डिफरेंस. लेंस फॉर्मूला प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट बी कंफ्यूज इन दिस. कंफ्यूज नहीं होना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों का, राइट? नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन उसमें क्या पढ़ी थी हमने? एम इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. बट इसमें हमारा माइनस नहीं आएगा, ओनली वी अपॉन यू. मीन्स हाइट, वी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एच आई अपॉन एच ओ में दिख रहा है, एच आई अपॉन एच ओ. ओके, सेम है, दिस इज सेम, माइनस नहीं आएगा इसमें बस. नेक्स्ट, अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव, कॉनकेव हमारा कन्वर्जिंग मिरर था, बट ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. ओके, सो 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब हमें क्या दे रखा है? यू दे रखा है, समझ आ रही है? यू दे रखा है हमें, ठीक है. 25, -25 दे रखा है हमने. -25 क्यों? क्योंकि ये इस साइड से मेजर किया और इधर वाले नेगेटिव लिए जाते हैं, ठीक है. कन्वर्जिंग, ओके, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल फोकल लेंथ है. तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव. पॉजिटिव अभी हमने पढ़ा था, तो कुछ याद रखना होगा. 10 दे रखी है, ओके, सी हियर ऑल्सो. एंड एच ओ, हाइट हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है. मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं इससे. सो क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज. तुम हम वी कैन सी, हमने फॉर्मूला लगाया इजिली, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी. लेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, एल एफ लगेगा लेंस फॉर्मूला. वी आ जाएगा हमारा 50/3 सेंटीमीटर आ गया. इमेज इज रियल, रियल है इमेज, इन्वर्टेड है एट द डिस्टेंस ऑफ 16.7 सेंटीमीटर. 16.7 सेंटीमीटर क्या है? 50/3 को हमने कन्वर्ट किया है पॉइंट्स में. मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू वी अपॉन यू कर सकते हैं हम लोग. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, ओके. मैग्निफिकेशन कैसे निकालना है हमें, ठीक है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, एच, ओके, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू. हमें एच ओ पता है, आर वी नोन टू इट? एच ओ पता है हमें, ठीक है. एच आई हमें पता है क्या? नहीं पता. वी पता है, यू पता है, तो इससे हम हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी हमारी. हाइट ऑफ इमेज वी कैन फाइंड आउट इजिली, ठीक है. तो ये हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल ली, यू कैन सी 10 -10.3. तो इमेज इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड, माइनस में आई है ना, इमेज हमारी डिमिनिश्ड होगी, ठीक है. नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो वी आर द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर. सो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कैसे निकालना है? वेरी इजी, पावर इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन फोकल लेंथ. मीटर्स में होनी चाहिए फोकल लेंथ, अगर वो सेंटीमीटर में है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस. ओके, फोकस इक्वल्स टू वन अपॉन पी, ये इसका वो कर दिया, इन्वर्स कर दिया बस. एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं.
डायोप्टर. ओके, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन. फोकल लेंथ जिसकी 1 मीटर होगी उसके पावर 1 डायोप्टर होगी. पावर हमें लर्न करनी है. पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी और कॉनकेव की हमारी नेगेटिव आएगी. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ यू हैवेंट अंडरस्टूड एनी थिंग यू कैन कमेंट मी. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एंड प्लीज लेट मी नो विच चैप्टर यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट. अदरवाइज आई हैव टू make it on my own. So okay, this is last and final. So thank you guys for watching my video, and if you like my video, please don't forget to subscribe for the more videos. Okay, and don't forget to like my channel. Okay, don't forget to press the bell icon down below. Bye.